एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज है साल का पहला त्यौहार मकर संक्रांति। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। सो मैं नहा धो के रोज़ की तरह अपना रेडी हो गई हूँ और पूजा वगैरह भी कर लिया। आज पूजा करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे और अब हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि घर में जब भी कोई अच्छा काम होता है, कोई फेस्टिवल्स होता है, तो हम मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो फिलहाल मैं अपने भाई का वेट कर रही हूँ, वो अभी अभी उठा है, तो वो भी नहा धो ले, रेडी हो जाए, उसके बाद से फिर हम दोनों जाएंगे मंदिर। और आज का क्या प्लान है, हमने क्या प्लान किया, ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है। हाँ, अगर मतलब ऐसे होते जाए, पहले मंदिर से आते हैं, देखते हैं कि उसके बाद से फिर हम लोग क्या क्या करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। और वैसे भी कॉलोनी के कुछ लोग बोले थे कि दीदी मुझे भी बुलाइएगा। तो हाँ, मैं आऊँगी, सबको कॉल करूँगी और कॉल करके देखती हूँ कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन आ पाता है, क्योंकि बोलने को तो सब लोग पहले से बोल देते हैं बट सबके पास काम आ ही जाता है। जैसे मेरे पास भी एक काम है अभी फ़िलहाल, तो मैं उससे सबसे पहले निपटाऊँगी आने के बाद। और जस्ट लाइक कि हाँ, मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम्स वगैरह हैं इधर, तो थोड़ा सा था कि नहीं यार, सबसे पहले मॉर्निंग में ही सब पढ़ाई वढ़ाई कर लो। और रात को काफ़ी बारिश हुई है जनवरी में, इतनी भयंकर, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा। मैं बाहर आज सुबह निकल के देखी तो पूरा, मतलब बाहर का सब कुछ एकदम पानी से भीग गया था। हल्का हल्का कोहरा था क्योंकि बारिश हुई थी, तो हल्का कोहरा था और गलन तो बहुत 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 ज़्यादा था। सो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन आ पाता है, किसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये देखते जाएंगे। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, तो फिलहाल मेरा भाई आ जाए और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। A few minutes later. जल्दी चलो। और मेरा भाई इतना ज़्यादा आलसी है कि मतलब तैयार भी चलते चलते हो रहा है और यहाँ पे हमारा ब्रूनो हमें छोड़ने के लिए आया है। तो फाइनली हम गेट से बाहर निकल गए हैं, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रहा था। और बाहर मौसम साफ़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए रोड पे भी कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ये सुबह के 7-8 बजे का टाइम है, 8 बजे का, और देखिए कितना ज़्यादा सन्नाटा है मंदिर वाले रोड पे भी। हालांकि इतना ज़्यादा सन्नाटा रहता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। और मंदिर भी इस समय काफ़ी खाली रह रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रह रही है। तो आइए चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। A few minutes later. तो ये देखिए हमारा दर्शन पूरा हो गया है और ये मेरा भाई अभी अभी दर्शन कर ही रहा है, क्योंकि हम लोग घर से एक ही लोटा लेके आए थे, तो मेरी पूजा होने के बाद ये फिर करने गया। तो ये देखिए अब ये जल देने जा रहे हैं इधर। चला जा घर, मम्मी का फोन भी आ रहा है, चलो जल्दी घर। और मम्मी का घर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा था, फिर भी ये मुझे लॉन्ग टर्म पे लेके गया इधर से घुमाते हुए, क्योंकि इसको लगी थी भूख, तो ये शॉप देखते हुए जा रहा था। फाइनली ये शॉप खुली थी इतनी ठंड में मॉर्निंग में, तो ये यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद रहा है। देखिए अभी भैया लाइट ऑन ही कर रहे हैं, शॉप जस्ट खुला है, तो ये देखिए क्या लेता है अभी अभी, तो सब बस देख ही रहा है। फाइनली भाई साहब केक लिया। हाँ, तो तुम पानी मत खराब करो, बस भुखड़ रहो, सुबह सुबह तुमको घर पे तो जल्दी चलना नहीं है मम्मी। तो फाइनली मैं कितना घुमाने के बाद हम लोग फाइनली अपने कॉलोनी वाले गली में आ गए हैं। तो ये देखिए जैसे ही मैं अपने गेट खोला, वैसे ही ब्रूनो सामने, मतलब ये स्वागत के लिए भाई साहब खड़े रहते हैं। अच्छा ये था कि आंटी सामने आग जला रही थी, और मैं अब ऊपर जा रही हूँ, जो भी पूजा का सामान लेके गई थी वो सारा ऊपर मंदिर में रख देती हूँ, उसके बाद से फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ ऊपर, और ये देखिए चारों तरफ लकड़ी का काम चल रहा, तो ये इतना फैला हुआ है। तो अभी सुबह सुबह थोड़ा बहुत किनारे करके बस झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने पूजा किया था। तो ये रहा हमारा मंदिर, मंदिर से आते आते सारे दिया भी बुझ गए थे। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम लोग घर भी आ गए हैं, और अब पूजा वगैरह का जो भी सामान हम लेके गए थे वो मैंने मंदिर में रख दिया है। और मम्मी अब नीचे बुला रही हैं उनका, काफ़ी जब हम लोग मंदिर में थे तभी बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह आ रहा था। तो चलिए चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो चाय वाय पीने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हाँ, मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी हो रही है। मकर संक्रांति के दिन बेसिकली हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे गोभी वगैरह भुन के रख ली गई है, ये सब चीज़ें काट के रख ली गई हैं। और आंटी आंटी यहाँ पे खिचड़ी बना रही हैं, और मम्मी यहाँ पे चाय की तैयारी कर रही हैं। तो मिल के ये लोग अपना काम वगैरह सब कर रहे हैं।
और मम्मी ये चाय गरम की है, तो ये रहा मेरा चाय। मम्मी हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो। दोनों महाराज बैठ के किचन के बाहर देख रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आशीर्वाद ले लेते हैं। दादी के पास चलते हैं। दादी हैप्पी मकर संक्रांति। दादी यहाँ हीटर के पास बैठी हुई हैं। चलिए दादी से भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कहती हैं। दी नहा भैलू? हाँ ठंडा रहा ला? बहुत ठंडा रहा। हम बल्बे मंदिर गए लेनी है ना, तो तनी सा खराब हो गए बाटे। अच्छा ठीक बा, चलो तब हम बाकी लोग के पैर छू ली, चाय पी ली, तब आते। ये देखिए ये केक मयंक लेके आया था जो रास्ते में, और ये मम्मी का जलेबी लड्डू, और इसका क्या हाल किया, जैसे लग रहा है कुतर डाला है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए ये मैं अपना चाय लेके बाहर आ गई हूँ, और यहाँ पे मेरी आंटी ने आग जलाया है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। मौसम देख के तो लग रहा है कि हाँ धूप निकलेगा, बट अभी तक तो नहीं निकला हुआ है। यहाँ पे चारों तरफ ये लोग बैठ के बस, अब ब्रूनो इतनी दूरी पे बैठ के हाथ सेक रहा है। तो चलिए आंटी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं, अभी तक लिया नहीं है। हैप्पी मकर संक्रांति आंटी। सारे दर्शकों को बोलिए हैप्पी मकर संक्रांति। बोलिए बोलिए रिम्पी दी, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। सो मैं चाय वाय पी ली हूँ, और हमारा जो भी चीज़ था वो हो गया है। आग वगैरह थोड़ा सा सेक लिया, हाथ वाथ अब थोड़ा सा गर्म हो गया, काम करने लगा है। और धूप देख के लग रहा है कि होगी, मतलब मौसम देख के लग रहा है कि अभी धूप होगी। तो अब क्या करना है नहीं करना है, ये तो धूप होने के बाद थोड़ा और मौसम गर्म हो जाए और बाकी सब लोग भी अपना अपना काम कर लें। तो मैं चलती हूँ, तब तक थोड़ा कॉल वगैरह कर लेती हूँ, देखती हूँ कि कौन कौन आना चाहता है आज, क्योंकि अगर किसी का काम ना आया हो तो वो लोग भी आ जाए भाई, और विश भी कर देती हूँ साथ ही साथ। और मैं भी अपना कुछ काम है जो कर लेती हूँ, करने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़े देर में। सो अभी सुबह के 11:30 हो गया है, इनफैक्ट 11:30 से ज़्यादा हो गया है, और सब लोगों को अपना ऑफिस वगैरह क्लिनिक वगैरह पे भी जाना था। तो मम्मी ने कहा कि अब बन गया है तो सब लोग खा लो। तो आइए दिखाती हूँ मैं आज का। ये देखिए ये है हमारी खिचड़ी, दही और ये सब्जी, और ये बाकी लोग उधर खा रहे हैं, मैं और मेरा भाई यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। और यहाँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपना कुछ काम कर रही थी, कुछ टाइपिंग कर रही थी, कुछ लिख भी रही थी। तो चलिए अब हम लोग खाते हैं, और अपना ये सारी चीज़ें मैं एडिट करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़े देर में। तो ये देखिए लाइट भी कट गई, और हमारे सोलर ने भी जवाब दे दिया, तो मैं ऊपर उसका स्विच ऑफ करने आई हूँ ताकि इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया जा सके। चलिए सोलर ऑफ करती हूँ मैं। सो हम लोगों ने अपना लंच वगैरह किया था, लंच वगैरह करने के बाद उसके बाद से मैं थोड़ा सा रेस्ट की, फिर फ्रेंड्स के कॉल्स वगैरह आने लगे, तो मैंने को कॉल्स वगैरह अटेंड किया, और जिनको आना था नहीं आना था उनके भी कॉल्स वगैरह लगे हुए थे। उसके बाद से फिर मैं भी बैठ गई अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं, तो था कि हाँ चलो अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं। और मैं कंटिन्यूअसली बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी, और बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा नैप भी ले लिया, और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना ज़्यादा शाम हो गया है, और कोई आया भी नहीं क्योंकि ठंडी बहुत 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 ज़्यादा। अभी मैं बस आई थी अपना सोलर ऑफ़ करने के लिए, क्योंकि वो डिसकनेक्ट हो गया था, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर देते हैं क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो वही मैं करने के लिए ऊपर आई थी, और ऊपर आके देखा तो हाँ इतना ज़्यादा, मतलब इस बार तो लगता है कोई पतंग वगैरह भी नहीं उड़ाएगा। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना बड़ा शुभ माना जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरे घर से किसी ने उड़ाया, और उस टाइम पे तो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं उड़ाया। तो और हम लोग भी ऐसे ही, मतलब इस बार की ठंडी एकदम पड़ी नहीं, और जब पड़ी तो एकदम हिला दी, इतना ज़्यादा गलन हो रहा है। अभी मैं शूट कर रही हूँ, मेरा हाथ एकदम ये कांप रहा है ऐसे। तो अब आई हूँ ऊपर, तो चलती हूँ, शाम हो ही गई है, तो दिया वगैरह जलाती हूँ, भगवान जी का घर थोड़ा सा उजाला करती हूँ, और उसके बाद से फिर नीचे जाऊँगी, रज़ाई में बैठूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। और अभी अभी मेरी तबीयत ठीक भी हुई है, तो और फिर से तबीयत ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मम्मी का स्ट्रिक्ट एकदम ये है कि नहीं अभी एकदम बचना है तुमको ठंडी से, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर से बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैं आपको एक बार वेदर दिखाती हूँ, अभी से कोहरा कोहरा थोड़ा सा दिख रहा है, वैसे दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए मौसम बिल्कुल भी लग रहा था उस टाइम पे कि धूप होगा, बट धूप थोड़ा सा भी नहीं हुआ, और ऐसे जो पीछे के साइड में ये पूरा एकदम ज़्यादा ग्रीनरी है, तो इस साइड में थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है कि अभी भी धुंध है, हल्की हल्की सी धुंध हो गई है। और ये देखिए
मैं अपने प्लांट्स वगैरह आप लोगों को दिखाती हूँ। नीचे लकड़ी का काम हो रहा था तो सारे प्लांट्स ऐसे ही ऑलरेडी ख़राब से हो गए थे थोड़ा सा, तो मैं यहाँ ऊपर लेके आई कि ऊपर थोड़ा सा धूप भी मिल जाए करेगा इन लोगों को जब भी होगा, और थोड़ा सा ऐसे तो मम्मी रात को ये कपड़े डाल देती हैं ताकि डायरेक्ट सीत ना पड़े इन लोगों को। लेकिन इतना प्रोटेक्ट करने के बाद भी देखिए पौधे कितना ज़्यादा सूख गए, इसमें तो पानी भी रुका हुआ है, ड्रेन ही नहीं हुआ है। तो ये देखिए इसमें भी बस एक फूल आया है, और ये जब नीचे काम हो रहा था तभी देखिए इसके लीव्स कितने डस्ट हो गए हैं, बट कोई ना क्या ही कर सकते हैं। और पता नहीं क्या ही हो गया ना कि मेरे इस मतलब इस गुलाब में दो तीन कलियां निकली हुई थी, एक भी कली नहीं दिखाई दे रही है। पता नहीं कौन तोड़ दे रहा है, कौन खा ले रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये देखिए एकदम इसकी पत्तियाँ कितनी रूखी रूखी सी हो गई हैं, थोड़ा भी धूप हो ही नहीं रहा है, कितने दिनों से धूप नहीं हो रहा है और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारा तो छोड़िए पेड़ पौधों का, जो हमेशा नेचर्स में रहते हैं मतलब उनके लिए मौसम कैसा भी रहे वो हमेशा ठीक ठाक रहते हैं, उनका जब ये हाल है तो आप लोग इससे समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं दिया बाती करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ दिया करने के बाद। ए फ्यू मिनट्स लेटर, फाइनली मैंने अपनी दिया बाती कर ली है, तो चलिए मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। मंदिर दिखाने से पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। सबसे पहले अपने इस रूम की हालत दिखाती हूँ। आज कोई भी कपड़े सूखे हुए नहीं थे और यहाँ पे ले आके सब मम्मी ने इधर उधर बस रख दिया है। यहाँ पे भी देखिए ये पैंट अभी अभी ले आके रख दिया है ऐसे ही। अब रात में इसे साइड में करेंगे, ये एकदम से गीला नहीं है लेकिन सिमसिमा सा है इसका बेल्ट वगैरह और सारी चीज़ें। तो चलिए अब मंदिर दिखाती हूँ मैं आपको अपना। तो ये देखिए मैंने आपको दिखाया ही था सुबह भी कि हमारे यहाँ लकड़ी का काम चल रहा है, तो सारा सामान ऐसे फैला हुआ है। नीचे भी कहीं कहीं कील वगैरह रहती है, तो थोड़ा सा मम्मी इस समय झाड़ दी हैं, आंटी भी आई थी ये सब झाड़ दी हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने शाम की दिया बाती कर ली है, तो हर हर महादेव, आज सोमवार का दिन है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं दो दिया क्यों जलाई हूँ, तो ये तो हमारा जो रोज़ एक शाम को दिया जलता है वो है, और मैंने हनुमान जी का पाठ उठाया है तो ये अलग से उन्हें चमेली का, चमेली के तेल का दिया जलाई हूँ मैं उनके लिए। तो ये देखिए, और ये जल मैंने उन्हें चढ़ाया था, अभी मैंने बाहर केले में जल दे दिया है, और ये ग्लास में यहाँ रख रही हूँ, सुबह बर्तन जब धुला जाएगा तो ये भी चला जाएगा। प्रसाद वगैरह हटाना है तो अभी मैं लेके जाऊँगी नीचे और सबको दूँगी, तब तक मैं इधर का भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारी लकड़ी का काम हो रहा है, और मैंने यहाँ पे भी दीप जला दिया है। यहाँ पे हमारे केले का छोटा सा पौधा है, तुलसी जी का है, विष्णु भगवान का हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, तो मैंने यहाँ भी जला दिया। और देखिए अब बहुत ज़्यादा शाम हो गई है चारों तरफ, ये देखिए रास्ते में इतनी सारी लकड़ियाँ हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर भी मैं जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी एक आंटी आग जला के बैठी है, यहाँ पे मेरा ब्रूनो भी बैठा हुआ है। आंटी आग जला के बैठी हैं। तो चलिए हम भी हाथ सेकते हैं थोड़ा, आग अच्छी खासी इन्होंने जलाई है, और बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं क्या ही बोलूँ, ना ज़्यादा गलन है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है अपने घर में, सब अंदर छिपे होंगे। ब्रूनो तक आग के पास ही बैठा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं नीचे, प्रसाद ले लेते हैं। ये देखिए ये मैं प्रसाद अलग अलग करके लाई हूँ, इसमें किशमिश, गुड़ और मिश्री है, और ये मैं केले को अलग से हाथ में ली हूँ। अभी नीचे मम्मी दाल बना रही होंगी तो हम उसमें ये डाल देंगे, इस तरह से ये सबको प्रसाद भी मिल जाएगा जो नहीं भी टाइमली ले पाएगा। और ये मैं सबको नीचे दे देती हूँ, जो नीचे है अभी अवेलेबल, ये मैं उनको दे देती हूँ। ए फ्यू मिनट्स लेटर, सो मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग कुछ भी ऐसा कर पाएंगे जो आज के दिन को स्पेशल बनाता, क्योंकि ठंड की वजह से तो सारा चीज़ ही, सारा प्लान ख़राब हो गया। अभी मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसने कहा कि यार थोड़ी सी भी धूप हो जाती तो आज हम लोग मिल लिए होते एक बार फिर से और थोड़ा सा फ़न किए होते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे लगता है अब मुझे भी थोड़ा और पढ़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे सूखा सूखा बैठ के तो कुछ नहीं होने वाला। तो चलती हूँ मैं भी अपना पढ़ाई करती हूँ, उससे पहले आंटी आग जलाई हुई है तो आग सेकते हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ ऑफ। अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये छोटा सा वीडियो विदाउट
विदाउट एनी फन, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, विदाउट एनी स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, नॉर्मल सी एक जेन्युइन सी लाइफ, एक सिंपल सी लाइफ जो नॉर्मल सी होती है, बस वही इस बार शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करके बताइए कि क्या पार्ट अच्छा लगा और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो यही था कि हमारा ये दिन साल का पहला दिन, पहला त्यौहार बहुत अच्छा नहीं गया ठंड की वजह से। ऐसा कोई कुछ नहीं था कि अच्छा नहीं जाता, ठंड की वजह से अच्छा नहीं गया, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा गर्म दिन स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फिलहाल कमेंट करके बताइएगा जैसा भी हो, और लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। ये सब खड़ा है, ये हमें बाहर आई तो ये देख रहे हैं आग के पास, ये लोग अपने अपने कपड़े सुखा रहे हैं, टॉवल्स वगैरह सुखा रहे हैं, ये देखिए। और मैं भी हाथ वाथ धुल के आया है, काम लग नहीं तो ठीक है, काम लग नहीं तो रुना ऊपर एकदम छत पे भैया रखा हुआ कटिंग का सोलो शेक हैंड रुना फटूर दे तुम रुना इधर देखो शेक हैंड गुड बॉय दूसरा बात सही हो गई के पास बैठ के सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ये देखिए ये भी यहाँ पे अपना स्टूल वगैरह लेके आई हैं, और यहाँ पे बाबू चाचा जैसे ही बाहर आए ब्रूनो उनके ऊपर कूदने लगा, अपनी बदमाशियाँ करने लगा। सो देखिए जब तक वो बैठेंगे नहीं तब तक वो भी शांति से बैठेगा नहीं। तो फाइनली बाबू चाचा भी अब यहाँ पे बैठ गया, और ये देखिए ये भी थोड़ा सा शांत हो गया है। बाबू चाचा यहाँ बैठ गए, लकड़ियाँ सही कर रहे हैं, और देखिए कितना अच्छा लाव निकल रहा है इसमें से। सारी लकड़ियाँ वो सही से रख देंगे ना तो इकट्ठे सारी लकड़ियाँ जल जाएंगे, और फिर हम लोग आग को थोड़ा अंदर भी लेके जाएंगे, दादी भी सेक लेंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा वाइब सारा, ठंडी के दिन में ऐसी आग मिले तो भाई मज़ा ही आ जाए, इतनी ज़्यादा ठंड है। और यहीं पर सब लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ से हटने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है।